देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में मजदूर अपने अपने घर सुरक्षित लौट गए हैं। लेकिन अब इन मजदूरों के सामने चुनौती है रोजगार की। ऐसे में इन मजदूरों के लिए एक खुशी की बात ये रही कि लॉकडाउन के चलते बंद पड़ी कटिहार में सन बायो जूट मिल एक बार फिर शुरू हो गई है और इस मिल में करीब 250 मजदूरों को काम दिया है। इस मिल में काम कर रहे सभी मजदूर खुद को सैनिटाइज रख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं ताकि किसी को कोरोना संक्रमण का खतरा ना रहे। सन बायो जूट मिल के मैनेजर कहते हैं कि सरकार के आदेश पर मिल को बंद कर दिया गया था और सरकार के आदेश के बाद मिल को चालू किया गया है। साथ ही प्रशासन द्वारा दिए गए तमाम निर्देशों का पालन किया जा रहा है और प्रशासन की अनुमति लेकर के मिल को हमने 2 तारीख को चालू किया। जो भी प्रशासन का गाइडलाइन है उसको मेंटेन करते हुए, जैसे सैनिटाइजर, आपका मास्क और सॉप और मेन चीज आपका सोशल डिस्टेंस बिल का, जो कि आप लोग देख लिया, टोटली गवर्नमेंट का, प्रशासन का जो क्राइटेरिया है, गाइडलाइन है, उसको हम मेंटेन कर। वही मजदूर कहते हैं कि इस मिल के शुरू होने से काफी फायदा हो रहा है। इधर इस एरिया का जितना भुखमरी का संस्कार था, जिसको रोजी रोटी नहीं था, जिसका चूल्हा बंद था, ये मिल चालू होने से उन लोग का चूल्हा जाना है ना, जान बचा, रोजगार, रोजी रोजगार मिला, हर एक सुविधा मिला कहीं कोई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में कुछ मिलों और फैक्ट्रियों को खोलने का आदेश दे दिया है। कटिहार से न्यूज के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट।